सो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, डैडी मुझे शूट कर रहे हैं और ये अपना नया हेलमेट बगीरा अपना सेट है। और अभी सुबह के 6 बजे 4 तारीख है, हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज इन गुजरात। आप लोगों को बोला था मुझे फॉलो करने के लिए, तो वी आर गोइंग देयर। सो पार्सी इज रेडी, ये है पूरा NS2 का राइडिंग गैंग, पैंट्स एंड राइडिंग जैकेट सब कुछ रेडी है। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड अ लिटिल नर्वस क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के दोनों चलो मिलते हैं बाइक पे। हमारी फेवरेट जगह पे हम लोग आ गए और सिल्वर माइल्स अमेजिंग, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता। 6:30 बजे घर से निकले थे, 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए। रास्ता इतना मस्त है और इतना बढ़िया वेदर है, फन टू राइड। हम लोग ने अभी तक जैकेट भी नहीं निकाला एंड इट इज़ वी आर फीलिंग लाइक एकदम ठंडा है मौसम, मज़ा आ रहा है। यू नो बाइक चलाने भी मज़ा आ रहा है, तो आई होप कि गुजरात तक यही होगा। यू नो तो आपको एक नाश्ता का ये झलक दिखा देता हूँ। तो अपने पास है उत्तपा, फिर बटाटा वड़ा, वो ख़त्म हो गया अभी आएगा, पोहा, उपमा, मेंदू वड़ा और सांभर चटनी फर्स्ट क्लास। ये अपना सुबह का नाश्ता, फैंटास्टिक, एकदम मज़ा आ गया खा के। नाश्ता हो गया सिल्वर माइल्स में, अपना फेवरेट जगह, 280 रुपये अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ अस टुगेदर, 140 ईच। और यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड है, हम लोग हमेशा यहीं आते हैं एक ब्रेकफास्ट राइड के लिए। अगर आप लोगों ने हम लोगों का पहला कोई व्लॉग देखा होगा तो पार्थिव इज ऑल सेट, रेडी हो रही है, चल बैठ जा फटाफट, निकलते हैं अभी धूप आ रही है। और बजे सुबह के कितने, 8:30 बजे 15-20 मिनट लगा उनको वो बूफे सेट करने के लिए। आज दिवाली है तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो आज थोड़ा उनको लेट हो गया, तो 8:05 में हम लोग यहाँ से निकले। कितना बजा, 8:15, 8:15 हो गए और फर्स्ट क्लास, सूरज देवता की पूरी दृष्टि अपने ऊपर। चलो ₹5 कम हो गया ना, तो 110 है यहाँ पे। ₹5 कितना पैसा था, 107 कुछ था। अच्छा बस 8.18, 9 लीटर, एक ₹5 भी कम हो गया है तो अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर के लिए रुके हम लोग, इसकी बैंड बच गई, अभी एकदम पैर दर्द हो रहे हैं, पैर और बैक दर्द हो रहे हैं। अभी सुबह के कितने बजे, 11:10, 11:10 हो गए और अभी और 1.5 घंटा है। सो हम लोग हॉल्ट लेके जा रहे हैं, थोड़ा पैर को दर्द हो रहा है, थोड़ा बैक दर्द हो रहा है, थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है, तो पानी वानी पी रहे हैं, रुक रहे हैं, बट अच्छा है ना एक्सपीरियंस। चार दिन निकालने अभी भी किस तरीके से निकलेंगे वो मेन है, 1 घंटा और है। तो यहाँ से ही अपने को एक राइट टर्न लेना है तो बॉम्बे वडोदरा हाईवे को छोड़ना है, और GPS ने बताया कि ये पुल के नीचे से जाना है, तो ऊपर वो फ्लाईओवर कनेक्ट होता है उसको नहीं लेना है, यहाँ से नीचे से अपने को राइट लेके। ये रोड तो काफ़ी छोटा है और नैरो है और काफ़ी खस्ता हालत है इसकी, तो आई होप कि ये प्रॉपर तरीके से अपने को राजपीपला तक लेके जाए, अदरवाइज ये गूगल मारता है ना तो कहीं ना कहीं ऐसे घुमाते रहेगी अपने को, तो अपन घूमते ही रहेंगे। और थोड़ी देर पहले ही मैंने, अच्छा हो गया एक टाइम पर ब्रेक मार लिया, वरना मेरी तो वाट ही लग जाती थी। मतलब नीचे लूज ग्रेवल था और यू नो अच्छी तरीके से ABS ने काम किया, और यहाँ पे यार काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट तो हुआ है, पर ये रोड वैसे का वैसा ही है,
सो आई होप कि ये जगह, अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर देखो यहाँ पे, लोग काम भी कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से निकलते हैं यार थोड़ी देर के बाद, काफ़ी थक गए यार, थोड़ा बैक भी दर्द हो रहा है, मौसम भी एकदम धूप सर के ऊपर है। तो पार्थवी, हम लोग वहाँ पे, पार्थवी और मैं वहाँ पे थोड़ी देर पहले रुके थे, जो आपने कभी थोड़ी देर पहले क्लिप देखा वो, तो इट वॉज समवेयर अहेड ऑफ वापी, नहीं वापी तो बहुत दूर रह गया, पर सूरत या वहीं पे कहीं पे था पता नहीं। हम लोग तो भगा रहे भगा रहे, इतनी गर्मी लग रही है तो पहुँचने को ही देख रहे। पारसी बोल रही है जल्दी पहुँचा दे। चलो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद एट द होटल। सो फाइनली हम लोग आ गए, ये है हम लोग का रूम टूर। इधर ही कोने में खड़े रह के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से एंट्री है वो तरफ से, ये दीवार की वो तरफ से एंट्री है, और ये इतना छोटा सा रूम, अच्छा है, बाथरूम है, और बाहर गैलरी है, गैलरी भी दिखाता हूँ, एसी है, पानी अच्छा है, गर्म पानी है, अच्छी होटल है, सेकेंड फ्लोर पे है, छोटी होटल है, तो ब्रांड न्यू होटल है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे आए हुए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ 1:30 को पहुँच गए, और रास्ते में काफ़ी मतलब छोटे छोटे जो पैचेस थे जो मैंने आपको दिखाया वो ही प्रॉब्लम था, बाकी रास्ते बहुत बढ़िया है। तो पार्थिव की तो वाट लग गई, पार्थिव क्या हाल है, ये कमर की दर्द तो ये वाट लग गई, दर्द लोअर बैक एंड ऐसे लग रहा है वैसे रोबोट की तरह चल रही थी। रोबोट की तरह चल रही थी। और अभी अभी वी आर फीलिंग हाँ फ्रेश। थोड़ा थोड़ा भी हैड शावर एंड ऑल तो फिर अच्छा हाँ, लगता बाहर का लॉबी कुछ ऐसा है। है। तो ये हम लोग का 103 नंबर है, अच्छा होटल है। ये मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला, गो आईबीबो से मिला, ये कुछ 2200 रुपये का है पर डे, क्योंकि अभी यार दिवाली है तो ऑब्वियसली इतना महंगा ही होगा ना यार, एकदम पीक सीजन पे आएंगे और आज दिवाली है। तो विश यू एवरीबडी और हैप्पी दिवाली। और मैं आपको ज़रा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, ये अपना पूरा जैकेट और वो सब मैंने यहाँ पे रखे थे, सूख गए मतलब एकदम गर्म हो गए, धूप एकदम कड़क वाली है। और कुछ नज़ारा तो कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। अभी ये देखो छोटा गाँव जैसा है यार, गाँव के साथ साथ है। तो ये होटल से अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी इज समवेयर अबाउट 30 किलोमीटर्स। तो उस जगह की आसपास की होटल तो बहुत महंगी थी और फुल थी, तो मिली नहीं। तो थोड़ा पहले मतलब यहाँ पे हम लोग ने होटल बुक कर लिया, तो ये थोड़ा अच्छा मुझे लगा और डिसेंट है, कुछ 6.5 या 7.5 हज़ार में 4 दिन का मेरा पूरा स्टे हो गया, तो अच्छा है ना, और क्या चाहिए। और यहाँ पे हंगरी किचन करके है, यहाँ से कुछ 5 मिनट की दूरी में ही है, तो हम लोग यहाँ से या तो मंगवा सकते हैं या फिर हम लोग वहाँ जा सकते हैं, तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे। अरे बॉस क्या खाना था यहाँ पे, हंगरी किचन, वो जो अपना अपन ने वो मेन्यू कार्ड देखा था ना अपने होटल में, तो वहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर है और एकदम सीधा सीधा ही है रास्ता, एकदम सीधा है, यहाँ से मेरी होटल आती है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, मस्त ढाबा स्टाइल है, क्या खाना था, अरे बाप रे, हम लोग ने कैसा टूट पड़े हम लोग दोनों जन, इतना भूख लगा था, बहुत खाया हम लोग ने। और क्या मंगाया था हम लोग ने, नवरत्न नहीं मक्खन वाला, वेज मक्खन वाला चपाती, वेज मक्खन वाला चपाती मंगाई, मसाला पापड़, कितना सारा खाया और 320 रुपये हुआ बिल, मस्त खाया यार। और सुबह को उसने बोला कि यहाँ पे ही नाश्ता मिलता है, यही वाला, ये देखो यहाँ पे ही, यही वाले पे पोहा थेपला और खांडवी और वो सब सुबह को मिलता है, तो सुबह को यहीं पे आएंगे, इधर नाश्ता करेंगे, यहाँ से जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, और बहुत बढ़िया था। और देखो यहाँ पे नया नया वाला डोमिनर आ गया है, तो 2022 वाला, सो जस्ट किसी ने डिलीवरी ली है यहाँ पे। चलो मिलते हैं, अभी होटल में जाएंगे, थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि काफ़ी थक गए, और अभी बजे हैं शाम के 4 नहीं 3:30 बजे, तो देखते हैं आसपास कोई अच्छी जगह होगी तो यहाँ पे कुछ घूम लेंगे, अदरवाइज़ कल ही सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो यहाँ पे क्या है ना, छोटा गांव जैसा है यार, ये राजपीपला मतलब थोड़ा ऑफ सिटी से दूर है मतलब, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कोई साइट सीइंग और वो सब चीज़ तो बहुत कम है, बट सही है, अच्छा है। चलो मिलते हैं रूम में, रूम पे मिलते हैं। तो हम लोग ना रूम पे पहुंच गए थे और फिर पार्थिव ने ढूंढा कि एक अच्छी जगह वहाँ अपन जाते हैं ऐसे टाइम पास नियर बाय, तो नीलकंठ धाम करके ये जगह है, और जगह दिखाऊँ आपको, अमेजिंग जगह, भगवान का मंदिर है और स्वामी नारायण का मंदिर है, ये देखो,
इतना बढ़िया है, ब्यूटीफुल है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा देखो कितना मस्त है ये। इसके बहुत सारे रिव्यूज़ है तो यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब ये जगह पे ज़्यादा कुछ है नहीं तो ये लोग ने मंदिर यहाँ पे बनाया है स्वामीनारायण का, और आज दिवाली है तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, सुपर। और ये देखो एक्सेलेंट कैंटीन, ओके यहाँ पे कैंटीन है, ये सब खा सकते हैं, कुछ यहाँ पे खा सकते हैं सब प्रॉपर। एक्सेलेंट, काफी सारे लोग आते हैं। जगह का नाम क्या? पिचोला पोचा, पोचा POICHA, पोचा पोचा। तो हम लोग की होटल से कुछ 12 किलोमीटर दूर है ये, तो नीलकंठ धाम पोचा। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे आप लिखोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। एक्सेलेंट, लुक एट दिस। 8:30 बजे बंद हो जाता है बाय द वे, एंट्री बंद हो जाती है, तो शायद बाहर निकलने के लिए चार में ना लाइट का। हाँ अच्छा, वो रात को ही आया। एक्सेलेंट है भाई, वापस स्क्रीन पे दर्शन है। हाँ ब्यूटीफुल, यहाँ पर तो 1-2 घंटा बैठेंगे तो पीसफुल है ना। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है, देखो कृष्ण जी, राम भगवान, और वो तो देखो। मुझे बोलनी है कि आप अक्षरधाम जब भी आप जाओगे ना, मतलब इनके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इंटरनेशनली है, मतलब नेशनल यहाँ पर भी है और अब्रॉड भी है, तो आप जाओगे ना तो इट इज़ सो वास्ट। और अहमदाबाद में जो अक्षरधाम है ना वो तो सुपर्ब है, मैंने बहुत सुना है, मतलब पूरा एक दिन जाता है उसको देखने के लिए, इतना बड़ा है वो। जाएंगे ना तो स्वामीनारायण के जो भी टेम्पल्स है ना बहुत क्लीन एंड नीट होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं एंड ब्यूटीफुल होते हैं, तो मस्ट विजिट प्लेस, जाना। कितना मस्त दिख रहा है ना वो भगवान का, बहुत क्यूट, बहुत मस्त है, अमेजिंग है, बहुत बहुत बढ़िया। कचरा भी नहीं यहाँ पर, इतना नीट, इतना क्लियर है, फोटोज वगैरह बहुत अच्छी आएगी यहाँ पे, और लाइट की कितनी अच्छी इफेक्ट है ना, बहुत अच्छा। ये तो एक्सेलेंट है, ये इस पे आएगा एक अपना थंबनेल आना चाहिए, ये बहुत अच्छा, एक्सेलेंट है। चलो हम लोग कुछ दर्शन कर लेते हैं, थोड़े फोटोज वोटो खींच लेते हैं, आपको जगह दिखा दी, गूगल पे आप ढूंढ लेना पोईचा, नीलकंठ धाम पोईचा, ठीक है। राजपीपला, तो राजपीपला के जो मार्केट है ना वहाँ से कुछ 10-12-15 किलोमीटर दूर है, रास्ते बहुत ही कच्चे रास्ते हैं, बट ठीक है, पहुँच सकते हो आप लोग इधर। अंदर आने का 10 रुपया, बाइक का, गाड़ी का 30 रुपया, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे अंदर अपने लिए फ्री है, ठीक है। चलो सी यू इन अ वाइल, हम लोग जो फोटो वोटो खींच लेते हैं। मस्त है ना यार, बहुत अच्छा है यार, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, देखो पीछे क्या मस्त दिख रहा है ये, है ना, सुपर है, सुपर, बहुत कमिंग ना, बहुत कमिंग, बहुत कमिंग।